हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेट एंड टाइम करंट वाला कैसे शो कराया जाए। डेट का तो ठीक है लेकिन टाइम नहीं शो करता है, प्रॉब्लम यहां आ जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो भी हो तरीका यही इस्तेमाल करना है। यहां पर जाकर के फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये एक बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम, क्योंकि हम विशेष रूप से टाइम की बात कर रहे हैं। डेट तो आ ही जाएगा, डेट तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप लेने पे आ जाता है। अब यहां पर अगर कोई मैं डेट पिक करता हूं, लाइक यहां पर लिख देता हूं डेट, फील्ड का नाम दे दिया डेट, और यहां पर डेटा टाइप क्या चूज करना है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज कर लीजिए। ये जो है ना, यहां पर आइए, ये देखिए यहां दिया हुआ है डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको डेट तो दिखाई पड़ेगी लेकिन टाइम तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर जाइए और यहां पर अगर आप डेट पिक करते हैं कोई भी, लाइक 4, ठीक है, और यहां पे कर दिया 5, यहां पे कर दिया 6, तो यहां पर आपको डेट शो हो रही है लेकिन टाइम तो कहीं भी शो नहीं होने वाला है, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए एक उपाय बताता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। यहां पर डिजाइन व्यू पे इसे ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे एक दिख रहा है शो डेट पिकर, आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, नेवर कर सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं और यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू में आकर के एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए नाउ। इस यहां पर टुडे का फॉर्मूला आपको नहीं मिलता है, यहां नाउ फॉर्मूला मिलेगा। तो नाउ फॉर्मूला यूज कर दीजिए और यहां पर क्लिक करिए और फिर यस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि करेंट डेट एंड टाइम की ये बात करेगा, ठीक है, ये करेंट डेट एंड टाइम की बात करेगा। तो आज जो भी डेट है, तो देखिए यहां पर मैं दिखा भी दे रहा हूं, देखिए ये देखिए आज 7 तारीख है, तो यहाँ पे 7 तारीख आ रहा है। अब ये चीज आपको करेंट डेट एंड टाइम के लिए ही करनी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर टाइम भी देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम के लिए, लाइक यहाँ पे 2:25 इस तरीके से कुछ टाइम देना चाहते हैं और पीएम, तो ये आप दे सकते हैं इजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन पीएम वाला फॉर्मेट कैसे आएगा ये देखिए। 2:25 तो ठीक है, ठीक है, जैसे ही 2:25 किया मैंने तो यहाँ 14:25 आ गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर आता हूं इधर, और यहां पे अगर मैं लगा देता हूं 11:20, ठीक है, तो ये 11:20 आ जाएगा टाइम, ठीक है, ये देखिए। तो ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है, 24 आवर वाला, आप इसको 12 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे एएम और पीएम लेके आना है तो वो चीज नहीं आएगी आपकी, और वो कैसे आएगी, उसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये बात करेंट डेट एंड टाइम के लिए है। तो यहाँ पर नाउ फॉर्मूला देख सकते हैं मैंने यूज किया और उसकी वजह से यहाँ करेंट डेट एंड टाइम शो होने लगा, ठीक है। आई होप की ये बात समझ में आ रही होगी। अब कोई न्यू एंट्री अगर आप पास करते हैं तो अपने आप ये डेट एंड टाइम शो होने लगेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप शो होने लगेगा। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।